ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां हर रोज़ हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको सूर्य देव से जुड़ा कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आपने यदि सही तरीके से कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन धन धान्य से भर जाएगा और आप अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इन उपायों का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों सूर्य नारायण भगवान कलयुग में एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनके आप रोज़ दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर सूर्य देव ना हो तो ये जीव दुनिया अंधकार में डूब जाए। दोस्तों आपको करना यह है, आपको सुबह नहा धोके पवित्र होके रविवार के दिन से ही सूर्य देव की पूजा करनी है और सूर्य देव का को जल चढ़ाना है। सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त आप एक तांबे का कलश लें, उसमें आप पानी ले लें और उसमें आप दो बूंद गंगा जल मिला लें, कुछ अक्षत मिला लें, रोली मिला लें और दो दाने मिश्री के डाल लें। उसके बाद आप ये जो जल है सूर्य देव को चढ़ाएं और सूर्य देव को चढ़ाते वक्त आप ध्यान रखें आपके दोनों हाथ आपके सर के सर से ऊपर होने चाहिए। दोस्तों धीरे धीरे आप ये जल सूर्य देव को चढ़ाएं और इस बीच आप ये दो मंत्रों की का उच्चारण करें। एक मंत्र यह है ओम सूर्य देवाय नमः और दूसरा है गायत्री मंत्र जो होता है ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस् धीमहि धियो यो न प्रचोदया। इन दोनों मंत्रों का उच्चारण आप 6-6 बार करें तो उसी हिसाब से आप जल चढ़ाएं। दोस्तों उसके बाद जल चढ़ाने के बाद आप 3 परिक्रमा करें। दोस्तों उसके बाद आपको करना यह है कि आपको जल जो चढ़ा है इसे आपको 6 बार अपने मत्थे पे लगाना है जल को और उसके बाद 7वीं बार आपको इसका एक टीका जल का अपने मत्थे पे लगा लेना है। इसके बाद आप जहाँ भी जाएंगे दोस्तों वहाँ आप सफल ही होंगे। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी भी काम धंधे से जा रहे हैं, आपको सफलता ही मिलेगी। सूर्य देव का आशीर्वाद आपके साथ हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका यदि कोई काम धंधा है तो वह उसमें भी आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। दोस्तों इसी के साथ यह इज्जत शौहरत मान सम्मान भी देता है। ये उपाय सूर्यदेव इन सब के स्वामी हैं तो यदि आपको समाज में आपकी मनचाही इज्जत नहीं मिल पाती है, लोग आपकी वैसे नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं जैसे आपकी होनी चाहिए, तो आप ये उपाय करके देखें, फिर आप देखें इसका चमत्कार। ये बेहद सरल है लेकिन साधारण है, लेकिन इसका फल असाधारण होगा। सूर्यदेव भगवान की कृपा आप पे हो गई तो समझिए कि आपका जीवन खुशहाली पूर्ण हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें दी गई जानकारी तो हमारे चैनल चमकते किस्मत को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।